हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक अलग ही लेवल का वीडियो शूट करने वाले हैं। तो आज हम शूट करने वाले हैं पेडिक्योर। तो मैं आपको पेडिक्योर की फुल डिटेल्स आपको दिखाने वाली हूँ कि आप पेडिक्योर किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या यूज़ होता है इसमें। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप वहाँ से जाके डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो। एंड सारी प्रोडक्ट्स के लिंक सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेली दिखाऊँगी इस वीडियो में। तो लास्ट तक मेरी वीडियो देखते रहिए क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ वीडियोस जो आए होते हैं मज़ेदार एंड आपके लिए होते हैं बेनिफिशियल। तो मैं सारा का सारा पेडिक्योर का सामान जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं पेडिक्योर जब किसी को कराती हूँ या मैं खुद करती हूँ तो किस तरीके से रेडी करती हूँ। नेक्स्ट मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिया है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े से बॉडी बटर लिया, मैंने यहाँ पे थोड़े से स्क्रब लिया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ क्लेंजर। उसके बाद हम थोड़े से पानी में भी जो हमारा गर्म हो चुका है थोड़ा सा उसमें भी हम कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे क्लेंजर का या फिर बॉडी वॉश का। तो इतना सा काफ़ी है। यहाँ पे मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा पानी ले लिया है जो कि बिल्कुल ठंडा है और साफ़ है, थोड़ा सा छोटा बोल में। और ये है बड़े, थोड़े से बड़े जगह में भी मैंने ले लिया है अगर साफ़ पानी का ज़रूरत हो या फिर। और यहाँ पे है थोड़े से क्लीनिंग के चीज़ें जिससे आप पैर को क्लीन करोगे। और थोड़े से मैंने यहाँ पे नेल पॉलिशेस ले लिए हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पेडिक्योर। सबसे पहले हम नेल को क्लीन करने वाले हैं। हम नेल पॉलिश को सबसे पहले रिमूव कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा बजट फ्रेंडली चाहते हो कि थोड़ा सा मतलब कि चीप में हो जाए ये पेडिक्योर तो आप मुझे कमेंट करना कि आपको देखना है कि नहीं, तो फिर मैं चीप में भी एक वीडियो बना दूंगी जहाँ पे आप बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ पेडिक्योर कर सकते हो। वैसा भी एक बड़ा सा अच्छा सा वीडियो बना दूंगी पूरे डिटेल्स एंड प्रोडक्ट्स के साथ, तो आप मुझे कमेंट करना अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए होगी तो। तो यहाँ पे कुछ राउंड शेप के कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अपने पैरों को इस तरीके से रब करना है। और रब करने की वजह से क्या होगा कि आपके पैरों के, हमारे पैर के नीचे जो होता है मतलब पैरों के तले में जो होता है वहाँ पे बहुत सारे हमारे सारे मतलब पूरे शरीर के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो उन प्रेशर पॉइंट्स में अच्छे तरीके से प्रेस हो जाता है जिसकी वजह से हमारे सिर्फ पैरों पे काम करने की वजह से हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमारे पूरे बॉडी में काम होता है अच्छे से। अब हम एक एक करके पैरों को उठाएंगे और उसको अच्छे से ऐसे हम ड्राई कर लेंगे और जितना भी हमारे अभी नाखून का काम है वो सब हम कर लेंगे। इससे क्या होता है कि सारा डेड स्किन सेल्स जो होते हैं हमारे पैरों में वो निकल के आ जाते हैं। उसके बाद हम ब्रश से क्लीन कर लेंगे, जो भी हमारी पैर की डर्ट है वो उससे साफ हो जाएगा। दूसरे पैर में भी हम सेम तरीके के स्टेप्स ही फॉलो करेंगे। हमारा क्लेंजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हम अभी ये स्क्रब यूज करने वाले हैं पूरे पैर में। मतलब ये स्क्रब वाला जो स्टेप है ना ये सबसे ज्यादा मेसी होता है और ये मतलब इसकी वजह से आप देखेंगे कुछ ही देर में कि कितना ये जगह मैस होता है। स्क्रब का यूज़ करने के बाद हमें 5 से 7 मिनट तक वेट करना है और देन इसको स्किन में अच्छे से रब करके फिर हम इसे निकाल लेंगे। हमें इसे बहुत ही धीरे धीरे से, जब स्किन पे कोई दाग ना आ जाए ऐसा बहुत ही धीरे धीरे करना है। हमारे उस टब का पानी काफी हद तक गंदा हो गया था इसलिए हमने साफ पानी में किया। हम हर एक स्टेप करेंगे उसे हम साफ पानी में ही करेंगे।
फिर हमारा लास्ट स्टेप है ये जो मैंने लिया है, ये है बॉडी बटर और उसके साथ मैंने थोड़े से ऑयल्स भी मिक्स किए हैं एंड इसे हम ये यूज़ करेंगे मसाज करने के लिए पूरे पैरों पे। तो मसाज के स्टेप के पहले आप पैरों पे पैक भी लगा सकते हैं, पर मैं स्क्रब से डायरेक्ट मसाज पे ही जाऊँगी क्योंकि मुझे पैक का यूज़ नहीं करना है। आप चाहो तो आप कर सकते हो। इसके बाद हम मसाज स्टार्ट करेंगे, ये रहा क्रीम, इसके साथ मैंने थोड़े से ऑयल्स भी मिक्स किए हैं। इसको मैं अच्छे से अपने हाथों पे रब करूँगी एंड इसे पैरों पे। हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पैरों को मसाज देना है ताकि पैरों के हर एक मसल और नर्व्स जो है वो रिलैक्स हो जाए। पैर पे भी करेंगे। तो हमारा पेडिक्योर कंप्लीट हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर ऑयल को ऐसे ही ड्राई होने दे सकते हैं ताकि वो स्किन के अंदर अच्छे से चला जाए। और इस पे हम क्या कर सकते हैं, नेल पॉलिश अगर क्लाइंट आपको आपका अच्छा लगे तो आप क्लाइंट को नेल पॉलिश कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नेल पॉलिश करूँगी। जाती है एकदम कंप्लीट, यहीं पे कंप्लीट होती है एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हो तो, और न्यू वीडियोस मेरे चैनल पर आते ही रहते हैं। तो मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना और यस प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय।